हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पास्ता, जो कि आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, स्नैक्स में भी खा सकते हैं और सबको बहुत ही अच्छा लगता है। जल्दी शुरू करते हैं आज के नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। तेल के गर्म होते ही एक बड़े साइज का प्याज अच्छे से कट करके डालना है और उसको ज़्यादा रेड नहीं होने देना है। प्याज के फ्राई होते ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है। अब जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम ऐड करेंगे आधी शिमला मिर्च, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। अब हम सारी चीज़ों को 2 मिनट अच्छे से कुक होने देंगे। सब्जियाँ कुक होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटोज की प्यूरी, जिसके लिए हमने 2 टमाटोज को मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके लिया है। अब हम टमाटो की प्यूरी को भी 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक होने देंगे। टमाटो की प्यूरी भी अच्छे से कुक हो गई है। अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले, जिसमें से हम सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और सारे मसालों को अच्छे से फ्राई करके लें। सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जाएगा पास्ता मसाला। पास्ता मसाला से पास्ता का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। सारी सब्जी को अच्छे से मसालों के साथ और नमक के साथ मिक्स करके लें। लास्टली इसमें जाएगा बॉइल्ड पास्ता। आप कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव पास्ता। पास्ता को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर ले, ताकि पास्ता के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो और आपके हर पास्ता के पीस में आपको मसाले का टेस्ट आए। अब इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, ताकि वो चिली पाउडर के टेस्ट को बैलेंस कर सके और थोड़ा सा मीठा लगे। ध्यान रखिए कि मिक्स करते वक्त पास्ता बिल्कुल भी टूटे ना और उसका शेप मेंटेन रहे, जिसके लिए आपको उसको अच्छे से बॉईल करना पड़ेगा। अब हम इसमें चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, मोज़रेला चीज़ या फिर क्यूब चीज़। चीज़ से पास्ता की टेस्ट एकदम अलग ही आती है, इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। आप देख ही सकते हैं पास्ता एकदम रेडी हो गया है। अब बस हमें इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया ऐड करेंगे। अब इसको सर्व करने का टाइम आ गया है। आप इसको सर्व करते वक्त केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।